अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का षड्यंत्र विफल, मारे गए 5 विदेशी आतंकवादी। कुपवाड़ा में LOC पर 4 घंटे चली मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। 5 असाल्ट राइफलें, 15 मैगजीन, 150 कारतूस, 5 हथगोले, 5 नाइट विजन डिवाइस, दूरबीन, पाकिस्तान में निर्मित दवाएं, पैकेट बंद खाना, सूखे मेवे, बरसाती दस्ताने, जूते, पाउच, अन्य वस्तुएं और 3 डायरियां। गुरिल्ला युद्ध में पूरी तरह प्रशिक्षित थे मारे गए जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी। 4 दिनों में मुठभेड़ का 3रा प्रयास विफल, दुश्मन को मुड़तोड़ जवाब देने के निर्देश। 2021 में भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम समझौते के बाद घुसपैठ का सबसे बड़ा षड्यंत्र। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए शुक्रवार को तड़के सीमा पार से घुसपैठ कर रहे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के 5 आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया। यह 2021 से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम समझौते के बाद अब तक का घुसपैठ का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में हुई मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं और सभी गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य साजो सामान बरामद किया गया है। इस घटना के बाद पूरे उत्तरी कश्मीर में LOC पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने सभी फील्ड कमांडरों को दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में सीमा पार से घुसपैठ का यह 3रा प्रयास था। कुपवाड़ा में LOC की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सेना की वज्र डिवीजन के GOC मेयर जनरल गिरीश कालिया ने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर रेंज के DIG विवेक गुप्ता की मौजूदगी में बताया कि पुलिस ने हमें घुसपैठ को लेकर सचेत किया था। इसके बाद हमने LOC पर चौकसी बढ़ा दी थी। गुरुवार मध्यरात्रि करीब 1 बजे जुमागुंड में LOC के अग्रिम छोर पर गश्त कर रहे सैन्य दल ने स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक दल को भारतीय इलाके की तरफ आते देखा। उन्होंने आसपास की चौकियों को सचेत कर दिया। जैसे ही आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए, जवानों ने उन्हें ललकारते हुए आत्मसमर्पण के लिए कहा। इस पर आतंकियों ने वापस भागने का प्रयास करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। 1:15 बजे शुरू हुई मुठभेड़ सुबह 4 बजे तक जारी रही। सूर्योदय के बाद जवानों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी ली तो वहां उन्हें गोलियों से छलनी 5 आतंकियों के शव व उनका साजो सामान मिला। पाकिस्तान में बैठे रफीक नाई और जफर के साथ जुड़े थे आतंकी। ऑपरेशन में शामिल रहे एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे आतंकी सेना के किसी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर से आए हों। उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान में छिपे बैठे पुंछ के आतंकी रफीक नाइक और शमशेर नाई उर्फ जफर इकबाल के साथ जुड़े हुए थे। रफीक और जफर ही पाकिस्तानी मुर्तजा पठान उर्फ गजनवी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। मुर्तजा पठान पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है और वह तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के खिलाफ लड़ चुका है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकी किसी बड़े मिशन पर थे। ये किसी सैन्य चौकी पर आत्मघाती हमला कर सकते थे या फिर श्री अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी करने के लिए आए थे। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ में आतंकियों की कर रही मदद। GOC मेजर जनरल गिरीश कालिया ने मारे गए आतंकियों के विदेशी होने की संभावना जताते हुए कहा कि इनकी पहचान का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके कुछ और साथियों के इलाके में छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ से एक बार फिर साबित हो गया है कि LOC पर संघर्ष विराम की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। पुंछ और मच्छल सेक्टर में भी हुई थी साजिश। पिछले 4 दिन में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ का यह 3रा व कुपवाड़ा में 2रा प्रयास है। 13 जून को कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं 14-15 जून की रात को पुंछ में सेना ने एक और घुसपैठ के षड्यंत्र को नाकाम बनाया था।